बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने अपने SOPs पूरे तैयार किए, हम कल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। हम वफाक का इदारा हैं, हम किसी सूबे के मतायत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतायत हैं। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को भी टेक्स्ट किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भी किया है, असद उमर से भी बात की है कि आप बसें चला रहे हैं, आप जहाज़ चला रहे हैं और जो गरीब की हकीकी सवारी है ट्रेन, जो ईद के दिन हमने उसको 15 ट्रेनों पर महदूद कर दिया है और हमने किराया भी नहीं बढ़ाया, 50% और 60% पर इंडिया ने डबल किराया कर दिया है। हमारे सारे SOP तैयार हैं और NDMA ने उस सबको पास किया है। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो 24 करोड़ लोगों ने 23.2 24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है, अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना हम बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। 24 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ, 23.2 करोड़ रुपीज लोगों ने टिकटें एडवांस ऑनलाइन हमें पैसे आ गए हैं हमारे पास। सो हमारे पास फिर रश लग जाएगा, फिर सब लोग आप कहेंगे कि कोरोना का वायलेट किया है। सो अगर हमें ये 15 अप और 15 डाउन की इजाज़त मिल जाए तो हम ये 30 ट्रेनों में ईद तक लोगों को कराची, मुल्तान और फैसलाबाद और पंजाब और जाफर एक्सप्रेस को नई ट्रेन के तौर पे पेश कर रहे हैं। इन 70 दिनों में हमारे मजदूरों ने काम किया ज़बरदस्त, सो हम जाफर की नई कोचेस, चाइनीज कोचेस चला रहे हैं चारों के चारों रैक। सो ये हमारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। और इसके अलावा सारे आपको बता दिए जो सिक्योरिटी के की सूरत हाल है, किसी टिकट वाले के अलावा स्टेशन को आने की इजाज़त नहीं होगी, हर जगह पुलिस के इंतजाम हैं, रेल ऑफिसर हमने मुकर्र कर दिए हैं, लेकिन आधा तीतर और आधा बटेर मेरी समझ से बाहर है कि आप बसों को तो सूबे इजाज़त दे रहे हो और जहाज़ों को तो सूबे इजाज़त दे रहे हो, तो रेल जो परफेक्टली सारी दुनिया में चल रही है, रेल वाहिद सवारी है जो दुनिया के कोरोना में चल रही है और जिसमें के वायलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है कि यहाँ रेल की अभी तक इजाज़त नहीं मिली। कल इंशाल्लाह, वरना मैं मंडे को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसके बाद हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे क्योंकि फिर इतना लोड हम पे आ जाएगा कि फिर वो लोग पैसेंजर संभाले नहीं जाएंगे। सो हमारे लिए दो ही ऑप्शन है कि मंडे तक हमें इजाज़त दे दी जाए ट्रेन चलाने की। अगर मंडे से ताखीर किया गया तो फिर रश जो है वो रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने 7,000 की 7,000 पुलिस स्टेशनों पे लगा दिए, तमाम स्टेशन कम कर दिए, मेजर स्टेशन रखे हैं, जितनी तदाबीर हो सकती हैं वो कर रहे हैं। अब लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि किस दिन ट्रेन चलनी है। सो हमने लाहौर में बता दिया है, सारे लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं कि जिन डेटों पे ये 23-24 करोड़ लोगों रुपया जिनका आया है उनको हम अवलियत देंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। टॉप प्रायोरिटी इनको देंगे, उनके बाद अगर कोई हमारे पास सवारी बची 60% के लिए तो उसको टिकट दिया जाएगा, और अगर इस मंडे या बुध तक फैसला नहीं हुआ ट्रेन का फिर 24 करोड़ रुपए आप लोगों को वापस। और ईद के बाद 3 दिन वैसे ही आपको पता है कि लोग सफ़र नहीं करते क्योंकि लोग घरों में ईद करने जाते हैं, 3-5 दिन की छुट्टियां हैं। सो ईद के बाद भी फिर ट्रेन चलने के लिए मौके बेहतर नहीं होंगे, हमने पेट्रोल के पैसे नहीं ज़ाया करने। सो हमारे लिए हम तोके करते हैं क्योंकि हम
सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जानते और मानते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर के अंडर है पाकिस्तान रेलवे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मंडे तक या मंगल तक हमें इजाजत दे देंगे तो हम 24 घंटे के नोटिस पे ट्रेन चला देंगे और इस ट्रेन में पहले जिन लोगों के 24 करोड़ रुपया आ गया है उनको अवलियत देंगे, वरना हमारे पास 5.25 बिलियन रुपीस हमारा महीने का तनख्वाह और पेंशन है। 3.2 बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सो मरकज ने, इमरान खान ने या शेख हफीज ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। हमारे तो माशी हालात जो हैं, वो मास्क भी लोगों को हमने कहा खुद लेके आए, सारे इंतजाम खुद करके आए, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहे हैं, ये ना हो कि ट्रेन डिफॉल्ट हो जाए। सो मैं उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान साहब खसूसी मेहरबानी करेंगे कि हमें सोमवार मंगल तक ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी जाए। और अगर आप कोई सियासी बात करनी हो तो मैंने आपसे जी हमें कोई नफा नहीं है, इक्वल है, 0/0 कॉस्ट और नफा बराबर है। इस महीने की जो टिकटें ईद की बुक कराई हुई हैं लोगों ने, ये 23.2 करोड़ रुपया वो लोग हैं जो इन्होंने इस मई की टिकटें बुक करवाई हुई हैं। वो देखें ना, वो लॉकडाउन से टिकटें तारीखें जो हैं वो बदलती चली गई और वो पैसे तो उनके हमारे पास पड़े हैं। हम कोई कब्जा ग्रुप तो नहीं है, हमने या उनको ईद से पहले पहुँचाना है सो या उनके पैसे वापस कर दें, ईद के 15 दिन बाद वापस कर देंगे अगर ना चली। देखें नैब जो है, अब तो मैं नहीं कह रहा, 17 बिलियन रुपीस हैं। सो सिर्फ 10 क्वेश्चन है क्योंकि मैं 10-15 मिनट की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी, ऐसा झाड़ू फेर देगी, क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। देखें छोटी ईद पे तो कुर्बानी नहीं होती, मैंने आपको कहा था छोटी ईद के बाद कुर्बानियां गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। देखें फ्रेंसिक रिपोर्ट अभी आने में देर है, अगर मोनस ने जागीर तरीन से मुलाकात की है तो अच्छी बात है, उनको अपने दिफा का भी पूरा हक हासिल होना चाहिए। चौधरी समझदार लोग हैं, वो गीली जगह पे पांव नहीं रखते। खान साहब को या शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। यस छठा सिंह, जब देखें इमरान खान के दौर में मैं वजीर हूं, कोई तसव्वुर भी ना करे कि नामूस रसालत पे कोई हरफ आ सकता है। ऐसी हजारों वजारतें हम जूती की नोक पे लिखते हैं जहां आशिक नबी और आशिक रसूल का मसला पैदा हो। कौम को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ का दौर नहीं है, ये नवाज शरीफ तरमीम लेके आया था, ये इमरान खान का दौर है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खत्म नबूवत पे कोई असर आए। देखें गुजारिश ये है कि कौन हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, कोई अपोजिशन नहीं है इमरान खान की।
अजाने हो रही हैं, मैं इनको अपोजिशन ही नहीं समझता, टीवी टीवी खेल रहे हैं रोज शाम फोन करके। अपोजिशन का कोई ग्राउंड वर्क होता है, कोई वो शहरों में निकलती है, कोई वो शहरों पे निकलती है, कोई वो प्रैक्टिकल काम करती है। ये ऐसे ही मेरा मतलब है, एक दो बस मैं जो बयान दूंगा अभी मेरे खिलाफ एक आदमी इसकी सफाई पेश कर देगा, बस ये अपोजिशन है जी। अभी जो बयान देंगे तर्जमान उनके खिलाफ एक बयान आ जाएगा। सो ये मीडिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई अपोजिशन नहीं है, पीपल्स पार्टी नून लीग कहीं खड़ी नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। लास्ट 3 क्वेश्चन। यस हमारी एसी कोचेस भी शामिल है और एसी कोचेस का कोई असर नहीं होता जहाज में, जो 9-9 घंटे एसी चला के आते हैं, एसी जो है पता नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, आप अभी मेरे ये बुलेटिन चला देंगे, एसी कोचेस शामिल हैं और हमारी एसी 500 कोचेस हमने फिट किए हैं कर्तिना को और वायरस से प्रोटेक्ट करके, सारे उससे केमिकल यूज़ किए हैं, स्पेशल स्टाफ ट्रेनों के साथ जाएगा। और हमने इसीलिए फैसला किया है कि जिन लोगों ने पहले बुकिंग की हुई है 24 करोड़ लोगों की, 24 करोड़ रुपए की, वो हम उनको पहले टिकट देंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन। देखें चीनी और आटे के खिलाफ अगर हम केस नहीं बनाएंगे फ्रेंजिंग रिपोर्ट के बाद तो हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर इमरान खान की हुकूमत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। और आगे ही आईपीपीस पे जो बातें हो रही हैं और कर्जे पे जो बातें हो रही हैं वो काफ़ी हैं हमारे खिलाफ जाने के। लेकिन अगर हम नैब के कानून में अमेंडमेंट करेंगे तो ये पैगाम जाएगा कि हमारे इरादे जो हैं हम या खौफ ज़दा हैं। इमरान खान की हुकूमत में हर आदमी का हाथ साफ है, मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा, मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। सो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। देखें हमने 5 रुपए की इंपोर्ट नहीं की, रेलवे की हालत बेहतर है, अभी हम नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, हम RMF जो है उसको ठीक कर रहे हैं, हमने 10,054 कोचेस 2 महीनों में ठीक किए हैं। और मैं रेलवे के मजदूरों को सलूट करता हूं, जहां डॉक्टरों को और दूसरे पैरामिलिट्री स्टाफ को करता हूं, पैरामेडिकल स्टाफ को करता हूं, रेलवे के मजदूरों को भी करता हूं कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की। आटा चीनी की फ्रेंजिक रिपोर्ट तो अब करीब है मेरा ख्याल है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब लेट थी, और शहबाज शरीफ को कागजात लाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वो अपने ट्रैप में खुद ही फंस गया है और पोल वार्ड की छलांग मारी है उसने, और उसके लिए लॉकडाउन जो है लॉकअप का सामान बन सकता है, और वो भी और अली इमरान भी और सारे लोग। देखे ना वो तो कहेगा मेरा बेटा जानता है, अब सारे प्रोग्राम तो आपने सुन लिए हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, कोई नया सवाल है तो बात करें। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि 2 बड़ी अपोजिशन जमातों में टपड़ी नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून में। फजलुर रहमान को वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी मैंने आपको कह दिया है 31 जुलाई से पहले पहले झाड़ू फिर जाएगा और सियासत होगी ईद के बाद। ये सारी बातें मैं कह चुका हूँ, मैं रेलवे की बात करता हूँ, आप सुनते नहीं, आप सियासत की बात पे ज़्यादा जोर। देखें हुकूमत चंद वोटों पे नहीं खड़ी हुई, विल्सन भी 1 वोट से हुकूमत की, जमाली ने भी 1 वोट से हुकूमत की, और ये सारे समझदार हैं पंजाब के, जो मोस्टली जो ख़ानदानी सियासतदान हैं और रवायती सियासतदान हैं और क्या कहते हैं जो मारूसी सियासतदान हैं, वो कभी अपोजिशन की तरफ नहीं सोचते, जिसे इक्तदार का मज़ा लग जाए
वो इख्तदार को ज्यादा एंजॉय करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।